हेलो दोस्तों, आंचल गार्डन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर नए प्लांट से देखिए, कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने इसे हमारे यहाँ जो नर्सरी वाला आता है फ्रेंड्स, उसी के पास मैंने इसे खरीदा है। ये टूरेनिया है, इस कलर का टूरेनिया मेरे पास नहीं था, और ये वर्बीना, ये भी मेरे पास नहीं था इस कलर का वर्बीना। और ये प्लेन पिटूनिया है फ्रेंड्स, इसका कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे तो मैंने ये ले लिया। और इसके फूलों का साइज भी बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाइट कलर का, देखिए कितना बड़ा है ये। और डॉग फ्लावर भी मैंने ले लिया एक, मेरे पास ये नहीं था तो। और ये डबल डिलाइट गुलाब मैंने लिया है फ्रेंड्स, इसे उसने 50 रुपये लगाया है, और सारे सीजनेबल प्लांट को उसने 40 40 रुपए लगाया है फ्रेंड्स। जब मैं बाहर से लाती हूँ फ्रेंड्स, तो यही प्लांट 20 रुपए 15 रुपए में मिल जाता है, लेकिन जो नर्सरी वाला हमारे यहाँ आता है वो बहुत ही महंगा लगाता है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंड्स, लेना ही पड़ता है। ये देखिए, इसे भी मैंने लिया है गुलदाउदी, मेरे पास इस कलर का नहीं था, बहुत ही प्यारा लगा ये तो मैंने इसे भी ले लिया। और एक ये गुलदाउदी भी मैंने लिया है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था तो मैंने इसे भी ले लिया। और कल ही मैंने ये तीन प्लांट को रिपोर्ट भी कर दिया था फ्रेंड्स, ये देखिए, ये तीनों को मैंने कल ही रिपोर्ट कर दिया था। और बाकी ये सब जो प्लांट्स बचे हैं फ्रेंड्स, उसे मैं आज रिपोर्ट करूँगी। मैं आप लोग के साथ अपना प्लांटर भी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे मैंने उस दिन बनाया था फ्रेंड्स। देखिए, इसे मैंने कलर कर दिया। आज हमारा छुट्टी है, संडे का दिन, स्कूल की छुट्टी है फ्रेंड्स, तो मैं छुट्टी का बहुत ही सदुपयोग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। बाकी तो मुझे और समय नहीं मिल पाता, तो मैंने आज ये दिन भर यही काम किया है। ये मैंने प्लांटर भी एक तैयार किया है फ्रेंड्स, देखिए, दो प्लांटर मैंने तैयार किए हैं। ये जो हमारे घरों में 5 लीटर का तेल का जो डिब्बा रहता है फ्रेंड्स, उसी से मैंने ये दो प्लांटर आज तैयार किए हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। सीजनेबल प्लांट लगाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, मैं पिटूनिया को इसी में लगाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स। ये मैं वीडियो बनाते हुए प्लांटर एक हाथ से नहीं तैयार कर सकती फ्रेंड्स, और मेरे यहाँ कोई है भी नहीं जो वीडियो बनाए, तो मैं आप लोग को ये बनाते हुए नहीं दिखा पाई। ये बनने के बाद मैं आप लोग को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि कैसा लगा, कैसा दिख रहा है ये प्लांटर। ओके फ्रेंड्स, यही आप लोग के साथ आज शेयर करना था। और मेरे गार्डन का भी थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एक साइड का ही गार्डन है, मेरे छत में तीन साइड गार्डन है फ्रेंड्स। मैं अच्छे से अपने प्लांट्स को जमा नहीं पा रही हूँ, तो ये देखिए इधर का, और ये देखिए येलो गुलदाउदी कितना प्यारा लग रहा है। पिछले साल से का जो प्लांट था उसी से मैंने इसे कटिंग लगाया था फ्रेंड्स, ये खिलना शुरू हो गया है ये। और ये एक पॉली बैग में लगा हुआ है फ्रेंड्स, और ये छोटी गुलदाउदी देखिए फ्रेंड्स, ये तो वो जो पाइप रहता है उसी उसी में लगा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स। और ये जरबेरा, उस दिन मैं आप लोग के साथ इसे शेयर की थी, ये देखिए, ये लगभग 1 सप्ताह हो गया है, अभी ये मुरझाने वाला है। और ये कितना सुंदर ऑरेंज जरबेरा, कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, तीन जरबेरा खिले हुए हैं। इस प्रकार मेरा ये एक साइड का गार्डन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय।